नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निरस्त कर दिया गया है और दोबारा आंसर की उसकी अपलोड की गई है। दोबारा रिजल्ट आ गया दोस्तों, ये गुड न्यूज है आपके लिए कि दोबारा आंसर की उसकी अपलोड कर दी गई है। आप दोबारा अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB का रिजल्ट दोबारा आ चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जोन की वेबसाइट खोलनी है। देखिए, यहाँ पे मैंने RRB पटना की वेबसाइट खोल रखी है और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है और क्या चेंजेस हुए हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि इसमें जो है, देखिए, जो आपको जाना है सबसे पहले किस एडवर्टीजमेंट पर जाना है, आपको जाना है इस पर जाना है, यहाँ पे CEN 2/2018 अपडेट्स, इस पर जाना है। और इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन का जो पहला लिंक क्लिक करने के लिए आ रहा है, PET स्टेटस फॉर PET, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओपन होगा कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। देखिए, हमने इसको क्लिक कर दिया। देखिए, कुछ इस तरह से खुलकर आएगा आपके लिए, कैंडिडेट लॉगिन खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर ID डालना है और ये आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद लॉगिन करना है। एक कैंडिडेट का मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का खुलकर आएगा। इसके बाद लॉगिन करने के बाद किस तरह से खुलकर आएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों, कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। यहाँ पे दो चीज़ आएंगी, शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस एक आएगा और एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स आएगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस में यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो आपको अपनी आंसर की दिखाई देगी, और ये जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है यहाँ से आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको क्लिक करना है, शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस को क्लिक करना है। शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस को क्लिक करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अभी का जो इस तरह का रिजल्ट निकल के आ रहा है, टोटल अटेम्प्टेड एक कैंडिडेट का आ रहा है कि 77 इन्होंने अटेम्प्ट किया था। टोटल करेक्ट इनके जो हुए थे 54 करेक्ट हुए थे। टोटल रॉन्ग जो इनके हुए थे 23 रॉन्ग हुए थे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इग्नोर्ड, इन्होंने 2 क्वेश्चंस इग्नोर किए गए थे RRB द्वारा। और टोटल वैलिड क्वेश्चन जो है 98 क्वेश्चन RRB ने वैलिड माना हुआ है। और इस 98 क्वेश्चन में रॉ मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन, रॉ मार्क्स जो इनके आए थे 46.3 आया था इनका रॉ मार्क्स। और प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 के जब ये 98 में से आए थे, और जब इसी को 2 क्वेश्चन जो हटा दिए गए हैं उसके प्रो रेटेड करेंगे तो इसको 47 इनका आएगा, और नॉर्मलाइज होके ये मार्क्स हो जाएंगे 50। तो 50 नंबर इनका नॉर्मलाइज होके हुआ है। और उसके बाद भी इनका शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये नो लिख के आ रहा है। इनका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, 50 नंबर के ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं। तो ये तीन चीज़ आएंगी। रॉ मार्क्स पहले नहीं आ रहा था, जो रॉ मार्क्स अब दे दिया गया, प्रो रेटेड मार्क्स दे दिया गया है आपको। पहले केवल नॉर्मलाइज आ रहा था, तो अभी बहुत सारे छात्रों का चयन हो गया जो पहले जिनका नहीं हुआ था, और आपके लिए ये जो रिजल्ट आया बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो जिन छात्रों का चयन हो गया उनके लिए मुबारक, उनके लिए बहुत बहुत मुबारक। PET की तैयारी करें वो। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहे।